क्रीम 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 रीम रीम होम होम दक्षिण काली के क्रीम 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 रीम रीम होम होम स्वाहा। क्रीम 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 रीम रीम होम होम शमशान काली के क्रीम 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 रीम रीम होम होम स्वाहा। क्रीम 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 रीम रीम होम होम भय भद्र काली भय। क्रीम 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 रीम रीम होम होम काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। शौरूणाम महाभीमाम घोरदष्टाम हंसमुखीम चतुर्भुजाम खड़गम मुंडमराम भयंकराम शिवाम मुंडमाला धराम देवी ललजिहाम दिगंबराम एम संचित्येत काली शमशानल वासिनीम। खड़गम चक्र कदेशु चा परिधाम शूलम भुषंडीम शिरः शंख धन्दति करे स्त्री नयनाम सर्वांग भूषावृताम नीलाश्मद्युतिमाश पाद दशकाम सेवे महाकालिकाम यामो अस्तोस्त पितो हरो कमलजो हन्तुम मधुम केटभम। जय मां कंकाली काली जय मां शमशान काली। यदि घर में खून के छींटे मिले तो क्या होता है? कई घरों में देखा गया है खून के छींटे मिलते हैं रात को। जब सवेरे उठते हैं तो पता लगता है कई जगह छोटे छोटे बारीक बारीक खून के छींटे पड़े हुए दिखाई देते हैं। ऐसे कई घर हैं जिनमें देखते हैं परंतु इतना ध्यान नहीं देते हैं और उसकी वजह से वह खून के छींटे उन्हें महसूस ही नहीं होते हैं कि यह खून के छींटे हैं। बहुत सी जगह घर में काम करने वाले नौकर चाकर होते हैं, वो अपने मालिक या मालकिन को नहीं बताते हैं और साफ सफाई का काम करते रहते हैं, तो उनको पता ही नहीं चलता कि घर में कोई ऐसी अदृश्य शक्ति आ गई है जो अब घर के अंदर तांडव करने वाली है। और जो स्वयं काम करता है उनको यह पता लग जाता है सवेरे उठने पर कि घर के अंदर जगह जगह 10-12 जगह कम से कम खून के छींटे मिलते हैं। तो जिन घरों में पता ही नहीं चलता है और साफ सफाई हो जाती है तो उन घरों में मृत्यु होना प्रारंभ हो जाती है। यदि फैक्ट्री चलती है तो वह तबाह होना चालू हो जाती है, घर में नौकर चाकर छोड़ करके चले जाते हैं और जिनको पता चलता है वो इसका इलाज करवाते हैं। अन्यथा घर में प्रगति रुक जाती है, विवाह रुक जाते हैं, बच्चे पैदा होना रुक जाते हैं, क्योंकि ये खून के छींटे आने का मतलब है घर के अंदर कोई न कोई खून पीने वाली आत्मा आ चुकी है। वह अदृश्य आत्मा होती है, यानी जिसके की अकाल मृत्यु हुई हो, जिसकी हत्या हुई हो, वह आत्मा खून के छींटे देने का काम करती है। कोई जिंद भी हो सकता है, जिन्नात भी हो सकता है, यानी कि अब आपके परिवार के ऊपर भयंकर कष्ट आने वाला है, इसका यह अर्थ होता है। तो इसका इलाज अब मनुष्य कहता है साहब इलाज बता दो, हम खुद कर लेंगे, तो इलाज भी बता देते हैं। खून के छींटे यदि घर में बार बार मिलने लगे और विशेष तौर से अमावस्या के आसपास मिलने लगे, चतुर्दशी के आसपास मिलने लगे, दूज की रात को मिलने लगे, छठ की रात को मिलने लगे, तो समझ जाओ शमशानी शक्ति आ चुकी है। इसके लिए आपको शमशान काली की पूजा करना होती है, मसान काली की पूजा करना होती है, शमशान या भैरू की पूजा करना होती है, पंचमुखी हनुमान जी महाराज की पूजा करके यज्ञ हवन अनुष्ठान करना पड़ता है और इसमें तंत्रात्मक मंत्रों का प्रयोग होता है, वैदिक मंत्रों का प्रयोग नहीं होता है और बलि भी देना पड़ती है। और यह सब काम जो है कोई अघोरी या ओघड़ या तांत्रिक ही कर सकता है। साधारण पूजा पाठ करने वाले मनुष्य के बाहर की बात होती है। तो जिनके यहां भी ऐसे खून के छींटे कभी भी दिखने लग जाए, हो सकता है 8-15 दिन में एक बार दिख जाए, महीने भर में एक बार दिख जाए, तो समझ जाओ अब आपके यहां पर
आपकी प्रगति रोकने के लिए, सर्विस छुड़ाने के लिए, व्यवसाय को चलता चलते व्यवसाय को बंद करने के लिए, विवाह नहीं होने देने के लिए, तरह तरह की बीमारियां होने के लिए यह खून के छींटे प्राप्त होते हैं। यदि किसी परिवार में, यदि किसी के घर में इस प्रकार के छींटे प्राप्त हो रहे हो, दिख रहे हो, मिल रहे हो, तो वो देवराधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। यदि उनको कोई उन खून के छींटे देने वाली शक्ति को हटाने वाला व्यक्ति नहीं मिल पा रहा हो तो संपर्क किया जा सकता है 9893128047 और 7649862712 पर संपर्क करें, केवल व्हाट्सएप के माध्यम से पूरी जानकारी देते हुए। अपना पूरा नाम, पता, फोन नंबर, आधार कार्ड अवश्य भेजें। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय मां शमशान काली, जय मां शमशानिया भैरु। होम शोम याम राम लाम वाम आम क्रोम महाकाल भैरवाय सर्व विघ्न नाशनाशे स्वाहा।